नमस्कार दोस्तों, पुरुषों की यौन समस्या के लिए, सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथी की एक टॉप ग्रेड रेमेडी है जिसका नाम है कैलीकार्ब या कैलीकार्बोनिकम। ये एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है जिन लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, जिन लोगों में टाइमिंग की प्रॉब्लम है, जिन लोगों में इच्छा नहीं होता है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स के अंदर, सभी सेक्सुअल रिलेटेड इश्यूज के अंदर इस मेडिसिन का हम लोग बखूबी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी पॉलीक्रस्ट रेमेडी है, तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के लिए कुछ साइनस सिम्टम्स पेशेंट का अंदर दरकार पड़ेगा। बिना साइनस सिम्टम्स का इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अपने पेशेंट का अंदर, और वो काम भी नहीं करेगा, और हो सकता है कोई साइड इफेक्ट भी कर जाए अगर बेमतलब का अगर आप लेंगे तो इस मेडिसिन का साइनस सिम्टम्स क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कैलीकार्ब के ऊपर बात करेंगे। एक केस वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये समझाएंगे कि कैसे हम लोग कैलीकार्ब का हम लोग प्रेस्क्रिप्शन कर सकते हैं पेशेंट का अंदर, और यौन समस्या क्या कोई और समस्या भी अगर होता है तो इसी प्रोसेस के अंदर इस तरह से केस टेकिंग करके हम लोग पेशेंट का प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। कैलीकार्ब एक बहुत बड़ी रेमेडी है, सिर्फ यौन समस्या में काम में आती है ऐसा नहीं, अनेकों प्रॉब्लम के भीतर ये मेडिसिन काम में आ सकता है। लेकिन मेरे पास जो पेशेंट आया हुआ था उनको यौन समस्या था, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम था, तो मैं जो केस बनाऊंगा, जो केस वीडियो जो बनने वाला है, ये यौन समस्या का ऊपर ही होने वाला है। ये जो अभी आप लोग पेशेंट का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस पेशेंट को आज से 2 महीना पहले हमने कैलीकार्ब प्रिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम, कैलीकार्ब 0x1, 2, 3, 4। इससे हुआ ये कि पेशेंट का अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन में तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही हुआ है, लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को छोड़कर भी बाकी कुछ अलग अलग और समस्याएं भी थी पेशेंट को, उसमें भी फर्क पड़ गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पेशेंट का हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट किया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करने से ही पेशेंट को आइडियल क्योर मिल सकता है। तो अब बात करते हैं कि इस पेशेंट को कैलीकार्ब भी क्यों प्रिस्क्राइब किया गया है। क्योंकि ये पेशेंट मेरे पास आने से पहले कम से कम हाफ दर्जन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास से ऑलरेडी होकर आए हैं, उसमें से 2 बड़े डॉक्टर यूट्यूब के, लेकिन किसी ने भी इनको कैलीकार्ब प्रिस्क्राइब नहीं किया। मैं तो ताज्जुब हो चुका हूँ कि पेशेंट का जो सिम्टम्स है वो पूरी की पूरी डिमांड कर रहा है कैलीकार्ब, लेकिन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं लाइकोपोडियम, स्टैपिसेग्रिया, बराइटाकार्ब। अरे लाइकोपोडियम का क्या सिम्टम है पेशेंट का अंदर? सिर्फ थोड़ा स्वीट की क्रेविंग है, थोड़ा हॉट फूड खाना पसंद करता है, बाकी और कोई सिम्टम नहीं है। पेशेंट को दिया गया लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम से कोई फायदा नहीं हुआ। 1 mg, 10 mg, CM, आप MM भी दे देंगे, पेशेंट को कोई फायदा नहीं होगा लाइकोपोडियम से। लाइकोपोडियम का पेशेंट है ही नहीं तो कैसे फायदा होगा? बराइटाकार्ब आप लोग इस पेशेंट को दिए, बराइटाकार्ब का क्या सिम्टम है पेशेंट का अंदर? ना तो बराइटाकार्ब का तरह वो शॉर्ट हाइटेड है, ना तो फिजिकल स्ट्रक्चर उसका उस तरह का है, गोरा है, थुलथुला है, ना पसीना उसको बहुत ज्यादा आता है, ना सर्दी उसको हमेशा लगता है, ना वो बात बात पे हंसता है, बेमतलब का हंसता रहता है, बेमतलब का बात करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रिलियंट पेशेंट है, ओबीडियंट पेशेंट है, लॉजिक में बात करता है। तो बराइटाकार्ब आप लोग दे दिए, बराइटाकार्ब का कुछ भी नहीं है पेशेंट का अंदर, ना लाइकोपोडियम का कुछ खास सिम्टम है। तो इस तरह से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। इससे क्या होता है, होम्योपैथी बीच से बदनाम हो जाता है। आप लोग का नाम तो बदनाम होता ही है, चलिए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन होम्योपैथी बीच से बदनाम हो जाता है। जो लोग अच्छा काम कर रहा है उन लोगों के पास जब पेशेंट आता है तो फिर वो लोग सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, होम्योपैथी में हम लोग ऑलरेडी बहुत जगह ट्रीटमेंट किए हैं, आपके पास ट्रीटमेंट करा रहे, फायदा होगा ना? तो ये सवाल का हम लोग आंसर हम लोग को देना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। जो लोग जेन्युइन प्रैक्टिशनर्स है, जो लोग सही तरह से प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों को ये सवाल फिर फेस करना पड़ जाता है। अब बात करते हैं कि पेशेंट को कैलीकार्ब ही क्यों प्रिस्क्राइब किया गया है। दोस्तों, कैलीकार्ब का जो मेन स्ट्राइकिंग सिम्टम जो मुझे लगा वो था एक टाइम मोडालिटी। टाइम मोडालिटी का मतलब, यानी रात को 2 से 3 बजे का अंदर इस पेशेंट का कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक टाइम मोडालिटी है, एक फिक्स्ड टाइम में ही ये कमर में दर्द इनका स्टार्ट होता है, और वो रात को 2 से 3 बजे के बीच में होता है। तो जैसे ही मैंने देख लिया, सुन लिया कि 2 से 3 बजे के बीच में रात को कोई प्रॉब्लम बढ़ता है, 2 से 3 मतलब कैली ग्रुप की जो मेडिसिन होती है इसका प्रॉब्लम में वृद्धि रात को होता है, कैलीकार्ब, कैलीफॉस, कैलीआयोड, जितने भी केली ग्रुप की मेडिसिन होती है इनका प्रॉब्लम रात को बढ़ता है, रात 2 से 3 का बीच में, कैली सल्फ बीच में इंक्लूड है। तो जितने भी कैली ग्रुप की मेडिसिन होती है
इनका प्रॉब्लम रात में एग्रावेशन होता है। तो ये एक स्ट्राइकिंग सिम्टम मेरे दिमाग में पहले ही आ गया, लेकिन कैलिकार्ब भी देना है, यहाँ पे मैं फिक्स नहीं हुआ हूँ, जस्ट मैंने सोच कर रखा कि हाँ कैलिकार्ब एक मेडिसिन यहाँ पे जरूर आ सकता है, साथ में कमर दर्द के लिए, और वहाँ पे अगर स्टिचिंग सुई चुभने लगे अगर दर्द होता है तो कैलिकार्ब एक अच्छा रेमेडी हम लोग सोच सकते हैं। साथ में दिमाग में एक चीज़ हमेशा रखिएगा कि अगर आप कोई पेशेंट का अंदर केली ग्रुप की कोई मेडिसिन अगर प्रिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, टाइम मोडालिटीज अगर रात का एग्रावेशन अगर आपका पेशेंट का अंदर मैच हो रहा है, इसी के साथ दो चीज़ अगर आपको मिल जाता है पेशेंट का अंदर, एक नंबर वीकनेस कमजोरी थकावट, क्योंकि केली ग्रुप की जो मेडिसिन होती है उन सभी मेडिसिन के अंदर वीकनेस कमजोरी थकावट बड़ा प्रोमिनेंट है, तो एक नंबर पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है पसीना स्वेटिंग, बिना स्वेटिंग का बिना पसीना का केली ग्रुप की मेडिसिन के बारे में आप सोच ही नहीं सकते, तो वीकनेस कमजोरी थकावट एक नंबर, दूसरा हो गया पसीना, ये दो प्रोमिनेंट सिम्टम पेशेंट के अंदर मैच होना ही चाहिए, तभी आप केली ग्रुप की मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर पाएंगे, जो कि मेरे पेशेंट के साथ मैच कर रहा था। और जो थर्ड सिम्टम था वो अभी का सिम्टम नहीं है पेशेंट का, वो आज से 20 साल पहले का सिम्टम है, यानी पास्ट हिस्ट्री है पेशेंट का खुद का। तो पेशेंट को उस समय अस्थमा की प्रॉब्लम थी, जब पेशेंट का उम्र ओनली 7 ईयर्स था, तो जैसे मैंने देखा अस्थमा का प्रॉब्लम तो पेशेंट को मैंने पूछा कि आपको अस्थमा का प्रॉब्लम कब बढ़ता था, तो पेशेंट ने बताया कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे अभी भी याद है वही रात को 2 से 3 बजे के बीच में मुझे प्रॉब्लम भी अस्थमा का प्रॉब्लम भी बढ़ता था। तो मैं फिर से यहाँ पर रिकन्फर्म हो गया कि कैलिकार्ब भी आ रहा है, यानी बचपन से ही बाय बर्थ ये पेशेंट कैलिकार्ब का है। तो इस पेशेंट को कैलिकार्ब दिए बगैर ये पेशेंट कैसे ठीक हो पाएगा, और कैलिकार्ब अस्थमा के लिए टॉप ग्रेड मेडिसिन है होम्योपैथी में, लेकिन सिम्टम्स मैच होना चाहिए। और एक चीज यहाँ पे ये था कि पेशेंट जब भी सेक्स करता है, यानी जिस दिन सेक्स करता है, सेक्स करने के बाद उनका माथे में दर्द चालू हो जाता है, यानी आफ्टर कॉशन हेडेक बिगिंस, माथे में दर्द शुरू हो जाता है कब, सेक्स के बाद। तो ये भी कैलिकार्ब को दर्शाता है, कैलिकार्ब जो मेडिसिन है आफ्टर कॉशन अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई प्रॉब्लम में वृद्धि होता है, तो कैलिकार्ब के बारे में हम लोग सोचते हैं। मैं आप लोग केंट रिपर्टरी में दिखाऊंगा कि आफ्टर कॉशन की कौन कौन से मेडिसिन के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, और रात को 2 से 3 बजे के बीच में जो हम लोग एग्रेवेशन की बात की थी वहाँ भी कैलिकार्ब है कि नहीं, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कॉशन आफ्टर यानी सेक्स के बाद प्रॉब्लम में वृद्धि कौन कौन सी मेडिसिन के अंदर पाया जाता है, कैलिकार्ब वहाँ पे हमारा मेडिसिन है या नहीं देखते हैं। चलिए तो ये देखिए मैं आप लोगों के लिए केंट रेपर्टरी जनरलिटीज खोलकर रखा हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन ड्यूरिंग एंड क्वेश्चन आफ्टर, क्वेश्चन मतलब सेक्स के दौरान, सेक्स के बाद। सेक्स के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम वृद्धि होता है तो कौन कौन सी मेडिसिन के बारे में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एनाकार्डियम है, एसोफियाटिडा है, बराइटा कार्ब है, कलाइडियम है, ग्रेफाइटिस है, आपका कैलिकार्ब भी है, लाइकोपोडियम है, पल्सटिला है, साइलेशिया है, सीपिया है, थुजा है, ये आपका सेक्स के ड्यूरिंग यानी सेक्स के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इन मेडिसिन के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, यहाँ कैलिकार्ब भी यहाँ पे दिया गया है। और सेक्स के बाद यानी आफ्टर, आफ्टर अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एगारिकस है, कैल्केरिया कार्ब है, कैलिकार्ब है, कैलिफॉस है, सीपिया है, साइलेशिया है, ये कुछ मेडिसिन फर्स्ट ग्रेड में दिया गया, यानी ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरह काम करता है। अगर क्वेश्चन के बाद, सेक्स के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो इन मेडिसिन के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन बाकी सिम्टम्स मैच होना चाहिए। रूब्रिक आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जो मैं बोल रहा था, टाइम मोडालिटीज, जो रात को 2 से 3 बजे जो प्रॉब्लम वृद्धि होता है वहाँ कैलिकार्ब दिया गया है कि नहीं देखते। चलिए जनरलिटीज, नाइट 2 to 4 AM, 2 से 4 के बीच में प्रॉब्लम होता है तो एक ही मेडिसिन दिया गया है, वो है कैलिकार्ब। तो पेशेंट का सभी प्रॉब्लम्स, चाहे अस्थमा की प्रॉब्लम हो, चाहे कमर दर्द की प्रॉब्लम हो, ये 2 से 4 के बीच में ही वृद्धि पाता है, तो कैलिकार्ब दिए बगैर ये पेशेंट कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। और बाकी करस्पॉन्डिंग सिम्टम्स भी कैलिकार्ब का मैच हुआ है पेशेंट के साथ, तो पेशेंट को कैलिकार्ब भी देना पड़ेगा। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि अगर ये पेशेंट मेरे पास पर्सनली कंसल्ट ना किया होता, पेशेंट से मैं बात नहीं किया होता, तो मुझे कैसे पता चलता कि ये पेशेंट कैलिकार्ब का है? मुझे पता नहीं चलता कि ये पेशेंट कैलिकार्ब का है, और मैं भी इनको यही मेडिसिन दिया होता जो बाकी डॉक्टर्स करते हुए आ रहे थे, लाइकोपोडियम, सिलेनियम, कैलाइडियम,
आपका नुफुल्लुटिया डामियाना योहिम्बिना जिनसेंग यही मेडिसिन में इनको दिया होता, इससे पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी वो खा के आ चुके हैं, मैं भी उनको वही मेडिसिन देता, तो एट लास्ट क्या होता इस पेशेंट का अंदर होम्योपैथी को लेके भरोसा पूरी तरह खत्म हो जाता, इनका अंदर होम्योपैथी को लेके कोई भी ट्रस्ट नहीं रहता और बाद में ये बोलते कि होम्योपैथी बेकार है। बिल्कुल इनका बोलना वाजिब है, मैं इनका कहना बिल्कुल भी गलत नहीं मानूंगा क्योंकि पेशेंट इतने जगहों से ट्रीटमेंट किए है, इतना पैसा बर्बाद किए है, फिर भी अगर पेशेंट को हम लोग ठीक नहीं कर पाए तो पेशेंट का बोलना बिल्कुल वाजिब है, पेशेंट बोलेगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग पेशेंट को ठीक नहीं कर पाए तो कैसे हम लोग पेशेंट को बोलेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं। तो इस पेशेंट को कैलिका प्रिस्क्राइब किया गया था 0.1234, इस बार 5678 देंगे। पेशेंट का अंदर एक दो सिम्टम और था, बताना थोड़ा जरूरी है, मैं बोल देता हूँ। पेशेंट का अंदर स्वीट का क्रेविंग था, यानी स्वीट खाने का क्रेविंग बहुत ज़्यादा था, और कैलिकाप का पेशेंट का अंदर स्वीट की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होता है, जस्ट लाइक लाइकोपोडियम अर्जेंटम नाइट्रिकम सल्फर, कैलिकाप का अंदर भी स्वीट का क्रेविंग होता है। सो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो को मैं ही एंड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं कैलिकाप का डोज कैसा रहेगा इन जनरल वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, कौन सा पोटेंसी में इसको लेके आना है, कैसे रिपीट करना है, मैं इन जनरल मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।